वर्धा यवतमाल नांदेड़ रेलवे मार्ग पर स्थित दिग्रे शहर में भी रेलवे मार्ग परियोजना के तहत पुसद रोड और ईसापुर गांव से सटे खेतों में रेलवे मार्ग विकास का काम जारी है। सूत्रों की मानो तो इस परियोजना को केंद्र सरकार ने विशेष महत्वपूर्ण परियोजना की फेहरिस्त में शामिल कर लिया है। इस परियोजना को साकार करने के लिए कुल 3200 करोड़ के खर्च का अनुमान है, जबकि शुरू में इस परियोजना का कुल 800 करोड़ बताया गया था। मालूम हो कि वर्धा यवतमाल इस 77 किलोमीटर के रेलवे मार्ग को पूरा करने का जिम्मा सेंट्रल रेलवे पर ही है। वही यवतमाल से नांदेड़ तक का 206 किलोमीटर का मार्ग रेलवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। वर्धा यवतमाल और नांदेड़, इस रेलवे रूट के विकास की चर्चा वैसे तो कई सालों से चल रही थी, लेकिन विदर्भ और मराठवाड़ा को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना का जमीन स्तर पर काम अब खासतौर से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जहां पर आज हम खड़े हैं, ये दिग्रज शहर से और ईसापुर एक गांव से जुड़ा हुआ ये जगह है जहां पर खेतों के बीच से ये रास्ता गुजर रहा है। रेलवे ने 622 हेक्टर जमीन अधिग्रहण इसके लिए कर लिया है और यवतमाल से नांदेड़ की जो 206 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसका काम काफ़ी तेज़ गति से अब शुरू हो चुका है। आने वाले 3 से 3.5 सालों में ये काम पूरा होगा, ऐसे सूत्रों ने जानकारी दी है। दिग्रज से BCN न्यूज़ के लिए जुबैर।